हेलो कार, आज हम खड़े हैं 2024 मॉडल टोयोटा ग्लैंजा के सामने। फ्रंट आप गाड़ी का देख सकते हो, कुछ ऐसा आ जाता है। काफ़ी शानदार तो गाड़ी का कलर है, ठीक है। इस गाड़ी के कलर का नाम कमेंट करके बताओ जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोजेक्टेड हेडलैम्प आपको देखने मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको मिल जाती है LED DRLs। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है एलोजन में इंडिकेटर, ठीक है। नीचे फॉग लैंप आपको नहीं मिल रहा, बिकॉज ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, जी वेरिएंट। यहाँ पर आपको मिल रहा है क्रोम गार्निश ग्रिल में, टोयोटा का लोगो है आपके बीच में, ठीक है। एक बार मैं इसके हेडलैम्प्स ओपन कर देता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ। स्विच चेक करो, सेकंड टॉप में भी आपको यहाँ पर LED में ही प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स देखने मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार लगते हैं, देख रहे हो, क्योंकि वाइट में प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा तगड़े लगते हैं। फ़ोटो चेक करो भाई एक बारी, ठीक है। एंड साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आ जाती है गाड़ी की, ये देख लो। अपोलो के टायर्स मिलने वाले हैं गाड़ी के। अगर टायर इंचेस की बात करें, जो एलॉय व्हील्स की बात करें, तो यहाँ पर 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको देखने मिलते हैं। आगे डिस्क ब्रेक आपको देखने मिलते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको आगे के दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने मिल जाएंगे डोर हैंडल्स के अंदर में, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड भी। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको नहीं देखने मिलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल क्रोम में ही डोर है। पीछे से बात करें तो यहाँ पर भी आपको पीछे की तरफ आपको ये क्रोम का पार्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको DRLs देखने मिल जाएंगी। यहाँ पर रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर्स में आपको हेलोजन देखने मिलेंगे, बट काफ़ी स्मार्टली इनको एडजस्ट करा है इस तरीके से, तो वो नहीं लगते कि आपके पास ये हेलोजन है। सेकेंड टॉप है, जी वेरियंट की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने मिल रही है, ग्लैंजा की बैजिंग देखने मिल रही है। बीच में टोयोटा का लोगो देखने मिलता है, एक पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर देखने मिल जाता है, डिफॉगर एंड वॉशर भी यहाँ पर देखने मिल जाता है, ये छिपा हुआ है, ठीक है। हाई स्टॉप लैंप ऊपर देखने मिलता है। यहाँ पर आपको शाफ्ट एंटीना नहीं है, यहाँ पर ऐसा रॉड टाइप की दे दी गई है। एक बार दिखा देता हूँ बूट स्पेस, तो ये चेक करो, बूट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी गहरा बूट स्पेस है जिसे कह लो। टायर की प्लेसमेंट आपको नीचे देखने मिल रही है, ठीक है, ठीक ही है। फोम बंद करने के लिए यहाँ से पकड़ के बंद कर सकते हैं। काफ़ी हैवी डोर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे तक आपको क्रोम में फिनिश देखने मिल रही है। एंड पीछे से आप डोर की बात कर लेते हैं, तो ये चेक करो, यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लैक एंड पीच कलर कॉम्बिनेशन में डोर देखने मिल रहा है। ये ब्लैक जो पोर्शन है ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये जो चीज़ है ना भाई, ये आपका पीच कलर में ये सॉफ्ट टच है। नीचे की तरफ अगर ध्यान दोगे ना, तो ये जो लेदर रैप आपको यहाँ पर जो आर्म रेस्ट जिसे कह लो, तो ये जो चीज़ है ना, ये भी आपको लेदर रैप देखने मिल रही है। एंड इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है कुछ कुछ रखने का, तो ये आपको ना पियानो ब्लैक फिनिश में देखने मिल रहा है। इतनी छोटी चीज़ में पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने मिल रहा है। पावर विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे स्पीकर का ऑप्शन है, यहाँ पर बॉटल होल्डर आपको देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, सो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, बट बीच में ना कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं देखने मिल रहा, ठीक है। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि भाई आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है। एंड सामने की तरफ AC वेंट्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आपको चार्जिंग के सॉकेट देखने मिल रहे हैं, एक एंड्रॉयड के लिए एंड एक एप्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है रूफ लैम्प, गाड़ी में सनरूफ नहीं है। अभी आगे चलते हैं, देन फिर बात करते हैं कि आगे क्या क्या फीचर्स हमें आते हैं। कलर बहुत शानदार है गाड़ी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। बटन्स काफ़ी ज़्यादा ना प्रीमियम है, इसके ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली, बाकी फिर दोबारा दबाने से कुछ नहीं होता, आपको दोबारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर AC कंट्रोल्स यहाँ पर है। नीचे USB पोर्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है 12 वोल्ट का, यहाँ पर भी एक पावर सॉकेट है। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश, पीच कलर एंड ऊपर ब्लैक कलर, ये 3 कलर का यूज़ हुआ है, जैसे कि टोयोटा टाइगर के अंदर हुआ था 3 कलर का यूज़, या फिर टोयोटा हाईराइडर के अंदर हुआ था, तो ये 3 कलर कॉम्बिनेशन जो है ना चल रहा है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, नीचे आपको देखने मिल रहा है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन। यहाँ पर आपको अपने हेडलैम्प्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने मिल रहा है AC वेंट्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। एंड यहाँ से कितनी बढ़िया लुक आ रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको एनालॉग ही देखने मिल रहा है, ठीक है, डिजिटल ही नहीं देखने मिल रहा है। 220 फुल स्पीड देखने मिल रही है। यहाँ पर आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार मैं बात करता हूँ इसके रिवर्स गियर की, तो ये देख सकते हैं इसका कैमरा है ना, रोमियोन के मुताबिक बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे लगा,
बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आ जाती है इसकी ग्लव बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाता है इसका रूफ लैम्प, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर भी वहाँ साइड आपको मिरर देखने मिल रहा है, यहाँ नहीं देखने मिल रहा, ठीक है। बाकी सही है, बाकी नीचे आपको मैनुअल के अंदर में गाड़ी देखने मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरेज है, यहाँ पर भी आपको स्लाइडेबल आपको मिल रहा है आर्मरेस्ट, यहाँ पर भी छोटा सा स्टोरेज है। तो एक बार आप गाना सुन लो, ठीक है। तो ऐसे ही चल लेते हैं बाहर, वीडियो को एंड कर लेते हैं, तो चढ़ाते हैं। ये एक बार आपको ऑटो देखने मिल जाता है, ठीक है। कीज भी इसकी कुछ ऐसी आती है बिल्कुल टोयोटा रोमियो जैसी ही, ठीक है भाई। तो ऐसी कुछ थी, ये थी टोयोटा मॉडल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।